सभी देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। भाई चाइनीज खाना सब लोग पसंद करते हैं, खाते भी, आप लोग भी खाते हैं, मैं भी खाता हूं, लेकिन कितने लोग बनाते हैं, बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते। तो मैं एक काम करता हूं, आपके लिए बहुत आसान कर देता हूं चाइनीज़ खाना बनाना। वो कैसे भाई? ढेर सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। शुरुआत करते हैं बहुत ही सिंपल टेस्टी ऐसी रेसिपी जो आपको पसंद है, सबको पसंद, वेजिटेरियन है और नाम है सिजवान पोटैटोस। इस रेसिपी के लिए करना हमें ये है कि आलू लेकर उसे हमने काटना है, और यहाँ पर ये आलू लिए हुए हैं मैंने, और ये जो आलू हैं आप उसको इस तरह से लंबा लंबा काट लें, ये देखें, और उसके बाद गर्म पानी में इसे 2-3 मिनट उबाल लें। यह हल्का सा पार बॉयल करना है ये आलू को, और उसके बाद तेल गर्म कर लें। और ये लीजिए कॉर्न स्टार्च ये आलू में, और ये पार बॉयल्ड पोटैटोस, नहीं तो कच्चे पोटैटो से भी हो जाता है, ये कॉर्न स्टार्च इसमें थोड़ा लगाया, हल्के से गीले तो होते ही हैं, कॉर्न स्टार्च चिपक जाएगा। और फिर तेल गरम है या नहीं ज़रा चेक कर लेते हैं। गरम तेल के अंदर आलू फ्राई कर लेते हैं, और जब तक ये आलू फ्राई हों तब तक और काम करते हैं हम इसको पकाने की तैयारी करते हैं। मतलब फ्राई होंगे और फिर क्या करना पड़ेगा ज़रा देखते हैं। हो गया, ये आलू फ्राई हो जाए अच्छी तरह से, और इसमें हम एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं तेल, और तेल ज़रा गर्म हो जाए। तो ये तेल गरम हो गया, इसके अंदर सूखी लाल मिर्च इसे तोड़ के इसमें डालें, ये सूखी हुई लाल मिर्च। उसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे सेजवान पेपर्स, ये देखिए ये जो हैं बाज़ार में अब मिलने शुरू हो गए, पहले मुझे याद है कि आसानी से मिलते नहीं थे, तो ये थोड़े से, ज़्यादा नहीं। और इसके साथ साथ प्याज, ये ले लिया प्याज, और इसे कर दिया मिक्स, लहसुन ये इसमें, और अब इसे ज़रा सौते कर लेते हैं। और अब बहुत ही ज़रूरी चीज़, और वो है रेड चिली पेस्ट, ये जो सूखी हुई लाल मिर्चें हैं इसको बॉयल करके इसकी पेस्ट तैयार कर लें, वो हमें चाहिए। ये लीजिए ये रेड चिली पेस्ट, उसके साथ साथ ये डालते ही इसमें डाल दें थोड़ा पानी। और पानी डाल के ये कर दिया मिक्स। अच्छा, कुछ लोग जो हैं इसे थोड़ा खट्टा मीठा पसंद करते हैं, तीखा भी चाहते हैं लेकिन थोड़ी मिठास चाहते हैं, उस केस में आप इसमें थोड़ा सा टमाटो केचप डाल सकते हैं। तो ये पानी डाल दिया, उसके साथ साथ इसमें सोया सॉस और थोड़ी चीनी। अच्छा, इसमें अगर आपको लहसुन का टेस्ट ज़्यादा चाहिए, जी हाँ, एक ये टिप है, चाइनीज़ खाने में बहुत सारी आप लहसुन वाली चीज़ें देखते हैं, तो गार्लिक का टेस्ट अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसको पहले डाल के आप पकाएं नहीं ज़्यादा, बाद में डालें, गार्लिक का टेस्ट ज़्यादा आएगा। ये आलू, और ये जो है बढ़िया सा ये तैयार। अब इसमें नमक, ये इसका जो टेस्ट है वो एकदम वेल राउंडेड टेस्ट हो जाएगा इसका। अब हमें चाहिए थोड़ा कॉर्न स्टार्च, और ये कॉर्न स्टार्च में डालना है पानी, तो ये कॉर्न स्टार्च ये ले लिया, और इसे कर लें अच्छी तरह से मिक्स, इसे डालें इसके अंदर।
कॉर्नस्टार्च डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब ये जो आलू हैं ये भी हमारे तैयार हैं, और इन आलू को, ये गर्मा गर्म आलू इस सॉस के अंदर, जी हाँ ये सॉस जो है ये ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, बस सिर्फ इतनी कि ये लटपटी सी सॉस हो, ये डालकर इसे अब हमने मिक्स करना है। ये देखिए तेज़ आंच पे इसे थोड़ा अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है ताकि ये सारी सॉस ये आलू के ऊपर आ जाए बढ़िया से। और उसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे हरे प्याज की पत्तियाँ, मतलब जो सफ़ेद प्याज होता है वो तो आप पहले इसमें डाल सकते हैं, जो पत्तियाँ हैं उसको अब डालें। और उसके साथ साथ इसमें थोड़ी खटाई विनेगर की, और वो बस लास्ट में थोड़ा विनेगर डालकर इसे हम करते हैं मिक्स। ये देखिए दिखने में ही इतने बढ़िया लग रहे हैं ये आलू, हा 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 हा, तीखे बहुत ज़्यादा नहीं हैं क्योंकि इसमें जो सूखी वाली लाल मिर्ची हमने इस्तेमाल की हैं वो बड़े साइज़ की हैं, उसमें से बीज निकाले हैं, उसे बॉयल करके फिर हमने उसे तैयार किया है। तो लीजिए ये तैयार हो गए हमारे सेजवान पोटैटोज़ आपके लिए एकदम बढ़िया गर्मा गर्म। ये लीजिए ये, आ हा हा हा, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, थोड़ी तीखी थोड़ी खट्टी सेजवान पोटैटोज़, और आप लें इसका मज़ा।